हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय की बड़ी खबर जो डोडा से आ रही है, जहां के काश्तीगढ़ इलाके में बाटा गांव है, जहां पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में जो है लगातार रात 2 बजे से ही मुठभेड़ जारी है। जिस तरह से आपको बता दें कि लगातार इस समय आतंकी जो है डोडा को अपना शिकार बना रहे हैं, और ऐसे में सुरक्षा बल जो है उन पर पूरी पैनी नजर रखे हुए हैं, और लगातार जो एनकाउंटर है वो सोमवार से देखने को नजर आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि पुलिस के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि देर रात जो है डोडा के काश्तीगढ़ के बाटा गांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में लगातार मुठभेड़ जो है वो जारी है। 4 से 5 आतंकी जो है वो उनके होने की संभावना जताई जा रही है, और सर्च ऑपरेशन लगातार इस समय वहां पर जो है जारी रखा हुआ है। और जैसे ही वहां पर संदिग्ध जो परिस्थिति देखने को नजर आई, तो ऐसे में जो है वहां पर उन्होंने जो है घात लगाकर गोलाबारी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद जो है सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई भी दी। और अब रात 2 बजे से लेकर अभी तक फिलहाल जो है अभियान चल रहा है, लगातार जो है गोलाबारी वहां पर हो रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से इस समय की जो सिचुएशन है डोडा जिला की, सोमवार से ही वहां पर जो है इस तरह के आतंकी हमले देखने को नजर आए हैं। इससे पहले सोमवार को जब डोडा में आतंकी हमला हुआ था, तो इसमें एक अधिकारी के सहित हमारे 4 जवानों ने शहादत पाई थी, और फिर उसके बाद उसी शाम जो है फिर से वहां पर जो है गोलाबारी शुरू हो गई, और फिर आज सुबह तड़के ही जो है आज सुबह देर रात 2 बजे से ही जो है वहां पर काश्तीगढ़ के जो इलाका है वहां के बाटा गांव में सुबह से ही आज आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में लगातार जो है इस समय मुठभेड़ जारी है। और जिस तरह से हम आपको समय समय पर अपडेट कर रहे हैं, कहीं पर भी अगर जो कुछ भी एनकाउंटर होता है, तो हमारा ये फर्ज रहता है कि हम आपको समय समय पर अपडेट देते रहे। जिस तरह से देखा जा रहा है कि जम्मू संभाग में इस समय आतंकी हमले जो हैं उसमें काफ़ी इजाफा देखने को नजर आया है, बात हो कठुआ की, बात हो डोडा की, बात हो किश्तवाड़ की, बात हो रजौरी पुंछ की, तो इस तरह के आतंकी हमले जो है वो लगातार देखने को नजर आ रहे हैं। आतंकी जो है इस समय सक्रिय है, लेकिन हमारे सुरक्षा बल भी इस समय उनसे ज़्यादा सक्रिय हैं, और ऐसे में कोशिश की जा रही है कि जो LOC या इंटरनेशनल बॉर्डर्स है वहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, जहाँ पर देखा जा रहा है कि कहीं भी संदिग्ध व्यक्ति सस्पिशियस मूवमेंट अगर देखने को नजर आती है तो वहाँ पर जो है सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं। लेकिन अगर डोडा की बात करें, तो सोमवार डोडा को जो एक बड़ा हादसा सामने पेश आया है, जहाँ पर हमारे एक अधिकारी के सहित जो है 4 जवानों ने इसमें जो है शहादत पाई है, उसके बाद से ही वहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखा गया है। स्निफर डॉग्स की मदद से, ड्रोन की मदद से जो है वहाँ पर लगातार जो है छानबीन चल रही है, और ऐसे में एक बार फिर से आज रात 2 बजे के करीब फिर से वहाँ पर आतंकियों के द्वारा जो है गोलाबारी शुरू कर दी गई, जिसका जवाब जो है सुरक्षा बलों ने दिया है। और अभी तक वहाँ पर लगातार गोलाबारी जो है चल रही है, 4 से 5 आतंकी होने की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। लेकिन इस समय वहाँ पर पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है ये मुठभेड़ पर जो है काबू पाया जा सके, और इन आतंकियों को जो है घात लगाकर मौत की नींद सुलाया जा सके। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। इसी तरह की ब्रेकिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ।